Your life. Assalamu alaikum everyone, welcome to my podcast. And today I have another gem who is probably a discovered gem, not an undiscovered one, but still he's a down to earth person, and I would welcome him on this podcast. And before going into detail, what I would want to let you know is that if you want to achieve your goals, you need to have confidence and you need to visualize all your goals with open eyes. So agar aapki aankhein khuli hongi aur aap apne goals achieve karna chahenge, to you should dream big and you should be able to achieve it. So aaj isi hawale se jinse hamari mulaqat hone ja rahi hai, he is a personal coach and he is a coach who follows his dream and passion, and he is full of confidence, and that's what he teaches his students, his pupils, and people all around the world. So today we are going to go up close and personal with Coach Zahid. So I welcome you. Assalamu alaikum Zahid sahab, kya hal aapka? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और बहुत शुक्रिया इस पुरजोश तारुफ का और इतनी इज्जत अफजाई का, मैं मशकूर। You're most welcome. The pleasure is always mine. और मुझे बताएं जाहिद साहब, आपके नाम के साथ तुर्की वाला लगा हुआ है, इसका क्या रीजन है? इसकी एक रीजन तो ये है कि हम रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ काम करते हैं, और उनके साथ जो भी काम करे उसे अपने नाम के साथ अपना काम जाहिर करना पड़ता है, यानी कोई ना कोई वाला लगाना पड़ता है। अगर वाला की बात करें तो वाला जो है वो रेहान साहब जो कहते हैं अक्सर हमें समझाने के लिए कि अपने काम से हमें शादी करनी पड़ती है, तो जो हमारा काम है वो हमारे नाम से जाहिर होता है। जैसे उनका नाम खुद अल्लाह वाला है, तो अल्लाह वाले काम वो कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो भी तो वो जाहिर हो रहा है। इसी तरह हमारे स्कूल में कोई फॉरेस्ट वाला है, कोई पानी वाला है, शाहरुख कारोबार वाला है, तो मतलब वो कारोबारी आइडियाज पे बात करते हैं। मैं तुर्की वाला इसलिए कि एक तो रेहान साहब का हेल्प सेंटर है जिसका नाम है तुर्की वाला हेल्प सेंटर। अब उस हेल्प सेंटर में क्या होता है कि कुछ इलीगल्स पाकिस्तानी पिछले चंद सालों में, गुज़श्ता 7-8 सालों में चले गए थे तुर्की वगैरह, तो इलीगल जाके वो परेशान थे, तो उनके लिए फिर रेहान साहब के कहने पे मैंने ये हेल्प सेंटर बनाया, उन्होंने बना के दिया। तो तुर्की वाला मेरा हेल्प सेंटर है जिसमें मैं इलीगल पाकिस्तानियों के काम आता हूँ, उनके तर्जुमे करता हूँ, उनको काम दिलवाता रहा और उनके लिए हॉस्पिटलों में और कोई खुदा न खास्ता कोई पुलिस का काम बन गया तो तर्जुमा कर दिया करता था। तो फिर उन्हें मोटिवेट भी किया कि वो इलीगल वहाँ ना रहें, पाकिस्तान आ जाएं, आए हम आपको सिखाते हैं सॉफ्ट स्किल्स, तो इस हवाले से भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा नाम के साथ तुर्की वाला वो मेरा मिशन है, मेरे काम का हिस्सा है, इस वजह से मेरे नाम के साथ तुर्की वाला। और तुर्किश जुबान आती है, गाने शाने भी तुर्किश में गा देता हूँ, अर्थरूल ड्रामा पूरा तुर्किश में देखा। अच्छा, और तुर्किश आती है ना, इसलिए तुर्की वाला इसलिए भी कह सकती हैं आप। जी जबरदस्त, तो फिर तो आप जो तुर्की वाला के अलावा इंटरप्रेट वाला भी लगा सकते थे। जी इंपैक्ट वाला दरअसल है हमारे वो भी राणा इमरान इंपैक्ट वाला है, तो उन्होंने नहीं 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 नॉट इंपैक्ट, इंटरप्रेट वाला। अच्छा सही, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज आप इंटरप्रेट करते हैं ना, या लैंग्वेज वाला। अच्छा, मैं नहीं कह सकते बट ये कि दिस इज गुड, बट टर्की वाला इसके अलावा भी एक है, यानी जो मेरे जो है सुनने में आई है, यू वेंट ऑल द वे टू टर्की ऑन बेयरफुट, इज दैट राइट? यस राइट। सो आप उसके हवाले से हमें बताइए ना। सही सही, तो आप तुर्की का किस्सा सुनना चाह रही हैं, चलें ठीक है। नहीं सुनाना तो कोई बात नहीं, हम कोई और बात कर लेते हैं। नहीं यही कर लेते हैं। अच्छा, और नाम बिल्कुल मुझे जो फिर थोड़ी देर के बाद रेहान साहब ने दिया, मैं नाम पे थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो मुझे नाम मिला है कॉन्फिडेंस वाला, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता हूँ, एतमाद साजी करता हूँ, तो कॉन्फिडेंस वाला मेरा जरा असल नाम है। लेकिन जरा तुर्की वाला ने थोड़ी सी शोहरत पकड़ ली, अब वजह शोहरत तुर्की है। और ये वाला सफर जो मैं अभी सफरनामा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा,
ये सफरनामा ही वजह शोहरत बना, तो फिर इसीलिए लिहाज से मैंने तुर्की वाला रखा हुआ है, वरना जो मेरा काम अभी है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डर की हैसियत से मैं काम करता हूँ, तो कॉन्फिडेंस वाला मेरा कह लें कि मेरा मिशन है। जी हुआ ये मैडम कि 2016 में मुझे तुर्की जाने का इत्तफाक हुआ, और इत्तफाक ऐसे ही नहीं हो गया, बस ख्वाहिश थी जाने की, और ख्वाहिश पैदा हुई 2012 में मैं काम से जब घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे बीवी मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त, लेकिन बच्चे भी वालदा भी भाई भी सारे टीवी पे एक ड्रामा देख रहे थे जिसका नाम था इश्क मम, तो सारे ऐसे देख रहे थे कि बस उसी को ही देखना है, ना मेरे आए की खुशी किसी को और ना मेरे जाने का गम किसी को। मैंने कहा ये हो क्या गया, तो ड्रामा देख अच्छा। रहे थे वो देख ही जा रहे थे, मेरी अच्छा। तरफ कोई देख नहीं था, यहाँ तक कि वो जौजा जिसने 3 बार कबूल कबूल कहा था वो भी मेरी तरफ नहीं थी देख रही, तो मैंने कहा क्या इस ड्रामे में यार अच्छा ऐसी कौन सी चीज है अच्छा, तो मैंने गौर किया तो मैंने देखा यार बड़ा खूबसूरत सा एरिया कोई अच्छे वाला, तो देखा बड़ा साफ सुथरा एरिया, बड़े अच्छे लोग उर्दू बोल रहे थे, वो खैर डबिंग हुआ था ड्रामा, तो मैंने देखा मुझे भी ख्वाहिश पैदा हुई, तो मैंने एक आस ही बढ़ी कि काश मैं भी कभी उधर पहुंच जाऊं, कितना साफ सुथरा एरिया है, कोई कूड़े को आग भी नहीं लगा रहा, कितना साफ सुथरा एरिया है, कोई जनाब वहां पे कोई इतना शोरगुल भी नहीं, तो सुकून है। तो बस वो आह भरी, 4 साल लगे, 2016 आया एक मौका बना, और क्योंकि मैं बायकास्ट राजपूत हूँ तो खुद को चैलेंजेस देने में ना बड़ा मजा आता है, और खुद को हम ज्यादातर तकलीफ में ही रखते हैं किसी ना किसी मामला में, तो ऐसे ही मेरी अचानक मेरी कह लें कि सलाह बनी, मुझे लगा कि क्या मैं भी तुर्की जाऊं, तो कुछ जैसे रेहान साहब कहते हैं ना कि अगर आपके 5 दोस्त 50,000 वाले हैं तो छठे आप होंगे, तो वही मामला कि हमारे इलाके में एक रिवाज है कि जी यूरोप जाना है, और जो यूरोप जाने का उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता आता है कि जी बाय रोड जाना, पैदल जाना, तो हालांकि लीगल भी जाया जा सकता है, जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ एक चीज रवाज पकड़ गई, और फिर उस जमाने में जो एजेंट थे उन्होंने एक अफवाह फैलाई हुई थी कि यार ऐसे चलो वीजा ही नहीं लगता, हम आपको लेके चलते हैं, तो ये होगा वो होगा, बड़े ग्रीन गार्डन और वो दिखाते हैं, फिर बंदा उनकी बातों में आ जाए, तो खैर मैं निकला घर से जनाब, मैंने इरादा किया मैं घर के लिए तुर्की के लिए, तो मैंने 2016 में ये फैसला किया, उससे कबल वैसे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ लेकिन एक्सरसाइज मजीद की, दौड़े लगाई, अपना स्टेमिना बरकरार किया कि अब इतना पैदल चलना है तो स्टेमिने की वजह से ना मैं कहीं रह जाऊं, तो वो तो अपने आप को फिट करके मैं फिर पूरी कमांडो किट करके और अपने आप को फिट करके घर से निकला, वो जैसे ही मैं निकला तो जनाब यहाँ से क्योंकि गुजरांवालों को गुजरांवाला से लाहौर, लाहौर से क्वेटा, क्वेटा से बलोचिस्तान, इसी तरह मतलब करते करते बस इधर ही, ये बसों का सफर भी था इसमें, आगे चल के बलोचिस्तान के बाद फिर मैं ना पैदल चला, जिसमें अच्छा। एक रात 8 घंटे रेगिस्तान में पैदल चले, ईरान से हम पाकिस्तान से ईरान में दाखिल हुए, आगे फिर चले, फिर जो स्मगलर्स होते हैं उन्होंने हमें आगे पहुंचाया, तो बड़ा ही दुश्वार गुजार रास्ते, और कह लें कि जैसे आप और मैं इस वक्त रूबरू है ना, एक यानी आमने सामने, इसी तरह मौत को मैंने आमने सामने देखा, जिसमें बड़े बड़े जो पहलवान थे जो कहते थे कि हम तो जनाब बड़े अपने इलाके के को टेढ़े हैं, बड़े गुंडे हैं, उनको भी मैंने रोते हुए देखा, और उनकी भी बदमाशी जो थी वो भू मार रही थी कि यार इनफ इज इनफ, अब चला नहीं जाता, अब जनाब अच्छा। कुछ हो नहीं रहा, तो पानी को तरस लिया एक एक बूंद को, और जनाब खाने के लिए अगर किसी के पास कुछ आया तो उसने छुपाया हुआ है, कोई दे ही नहीं रहा, और जनाब अगर सुस्त हो रहे हैं तो पीछे से वो जिन्होंने डंडे पकड़े हुए वो मार रहे हैं कि आगे चलो भाई रुक क्यों रहे हो। अच्छा। तो ये रात का सफर था, तकरीबन 4 घंटे पाकिस्तान, 4 घंटे आगे ईरान में चलना पड़ा, तो 8 घंटे का अच्छा। वो सफर मैंने आगे, फिर वो डाले हम बोलते हैं वो थे स्मगलिंग वाले, उन्होंने उसमें बिठा के वो हमें ले गए आगे, आगे जब ले गए फिर स्टे किया थोड़ा सा, फिर तकसीम हुई किसके बंदे हो किसके बंदे हो, यानी जो एजेंट हजरात है ना उनके बंदे, तो फिर जाके हमें अलग अलग कर दिया गया, तो कोई नाम होते हैं सिर्फ नाम ही होते हैं, और इसी तरह हमें जाना होता है, फिर वो आगे मुझे क्योंकि मैं बड़ा स्मार्ट सा बंदा हूँ, मेरी स्मार्टनेस ने मुझे उधर नुकसान पहुँचाया, उन्होंने मुझे मेरी स्मार्टनेस देखते हुए मेरा पतला सा फिगर देखते हुए मुझे कार की डिग्गी में बंद कर दिया,
और मेरी तरह के दो और नौजवान टिक्की में, ये मैं अकेला नहीं, तीन तीन लोग हम, ठीक है। तो अब ये जो है, आप ये किसी किस्म का गाइडेड टूर था या अनगाइडेड था, बस एजेंट्स के हत्थे चढ़ के निकल पड़े थे आप? एजेंट्स के कहने पे उनके हत्थे चढ़ के निकले कि बस जाना है तो जाना है। तो फिर अच्छा, मुझ में ये चीज है कि बस जो एक चीज ठान ली, एक दफा बस जाना है तो जाना है, तो मैंने कहा फिर जाना है तो जाना ही, चलेंगे। तो ये बस डिग्गी में उन्होंने बंद कर दिया। अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, मैं जरा थोड़ा सा होशियार था, मैंने जैसे ही गाड़ी में लेटा, मैंने उसके रबड़ उखाड़ दिए, उसके अंदर ना बूट्स होते हैं, रबड़ लगे होते हैं, वो मैंने निकाल दी। तो सांस आनी जानी शुरू हो गई, लोगों ने बड़ी चीखों पुकार की। तो फिर इसी तरह मैडम ईरान में सफर किया, ईरान में मुख्तलिफ शहरों में छुपते छुपाते वहाँ के वीरानों में पड़ाव डाल के दौड़े लगाते हुए, और कई सारे रास्ते में चेक पोस्टें आती हैं, जो कुछ भी है वो हमने इसी तरह सफ़र किया। तो ईरान में बड़ा तवील सफ़र रहा, पूरा ईरान क्रॉस करना था हमने, और मैं क्योंकि घर से अकेला था कि फिर लोग और भी कई जुड़े, इसी तरह हमने सफ़र किया, आगे गए, करते करते ईरान के बॉर्डर तक मैं पहुँच गया, यानी तुर्की और ईरान के बॉर्डर में। फिर वहाँ पे एक एरिया जिसका नाम है माको, वो माको पहाड़ी है जो ईरान और तुर्की की मुश्तरक है, दोनों में आती है। तो उस पे अब सफर था, वो फिर रात को 2 बजे उन्होंने हमें आन जगाया कि जी आ जाओ, बर्फ पड़ी हुई थी ईरान उस वाले हिस्से पे, तो रात को जगाया उन्होंने जनाब, हमें ले गए। फिर अब यहाँ से हमने कोई तकरीबन 1-1.5 घंटा कार में सफर किया, और फिर आगे से पैदल चलना था। वो पैदल सफ़र किया मैडम, तो मैं बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी भी जो अकड़ थी, जो मेरी कह लें कि राजपूती थी, वो भी थोड़ी थोड़ी ना कह लें कि अब मात पड़ रही थी। लेकिन जब मैंने आगे गया, मैंने देखा सूरत हाल, तो मैं क्या देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं, तो मुझे तो अपना तो दुख भूल ही गया। फिर मैंने कहा भाई ये तो कोई नहीं, अब बेटा आगे के मंजर देखो क्या होगा। तो उन बच्चों की पढ़ के मुझे उनकी फिक्र में लग गया, अपना तो याद ही नहीं रहा कुछ भी। तो फिर खैर हम चले वहां पे मैडम, तकरीबन 15 घंटे सफर किया पैदल वो वाला। इन 15 घंटों में एक तो रात का वक्त था, जो 5-6 घंटे रात चले, रात फिर दुश्वार गुजार तो रस्ते थे ही, पहाड़ी सिलसिला था, और कोई पता नहीं कोई कहाँ गिर पड़े, कोई कहाँ गिर पड़े, गिरे भी लोग, चीजें भी गिरी, कुछ लोग तो ऐसे थे जिनसे अपना ही बोझ नहीं था उठाया जा रहा, बैग वगैरह वो भी फेंके, बड़े बड़ा ही मैंने ना कह लें कि दर्दनाक मंजर देखे। फिर डाकू वगैरह भी इन्हीं रस्तों में छुपे होते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास पैसे होते हैं, वो छीन लेते हैं, असबाब लूट लेते हैं बंदे को, भाई यारो मददगार करके छोड़ देते हैं, कोई एक आध खंजर भी लगा देते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा होता है, कोई गिरता है उसकी टांग टूट जाती है, फिर वो अलग से। तो ये बड़ी एक कह लें कि ये ऐसा नाकाबले बयान मंजर है, जो कि बयान करने में भी मुश्किल हो रही है। अब आप मुझे वहां लेगी तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी की बात है। तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, मेरी गर्दन पे भी खंजर रखा गया, मुझे भी डराया धमकाया गया कि पैसे दो ये वो। अब इन चीजों को मैंने देखा हुआ है, इन चीजों को फेस किया हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे अब कोई छोटी मोटी परेशानी या मुश्किल तो मुश्किल लगती है। फिर सिलसिला जैसे चलता रहा, तो अभी कुछ सफर रहता था मेरा तकरीबन, यानी 15 घंटे जो चले, इसमें से तकरीबन 10 घंटे चल चुका था मैं, तो सामने ईरान का, तुर्की और ईरान का बॉर्डर आ गया। तारें लगी हुई थी, लोग मतलब उधर कोई नीचे से निकल रहा है, कोई दाएं बाएं से कोई रास्ता ढूंढ रहा। मैं जरा स्पोर्ट्समैन था, बैग मेरा वैसे ही खाली था, मैंने पीछे से खुद को तेज दौड़ाया और ऊपर से टाइगर जंप किया जनाब, दूसरी तरफ चढ़ गया मैं उधर तुर्की में। तो तुर्की का फिर आगे एक पहाड़ी शुरू हुई, वो चढ़ी उधर ही एक कश्ती जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है, वो भी साथ ही एक पहाड़ था सामने, उस पर वो पड़ी हुई है, वहां से मेरा गुजर हुआ। उस इलाके का नाम है जी दोगो ब्यास, ब्यास कहते हैं सफ़ेद को, और दोगो वो इलाका है, और वो इसलिए कि वहाँ इतनी बर्फ़ होती है कि वो हर वक्त ब्यास यानी कि सफ़ेद ही रहता है 12 महीने। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ गए, वहाँ जाके जनाब फिर हमारी पूछताछ हुई, किसके बंदे हो, कौन हो, ये वो। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क था, याद रहे था, है नहीं,
ये था और यहाँ तक मैं पहुंच गया और मैडम मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ, कैसा लगा सुन के आपको? खर्चा क्यों नहीं हुआ जिस अज़ियत के थ्रू आप गुजर के गए, यानी आई थिंक इट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, इन द सेंस के जब आप यहाँ से निकले तो आप इस माइंडसेट के साथ निकले कि मैंने बाहर जाना है और ये कि मेरी फैमिली को मेरी कदर नहीं है। सो माइंडसेट ये था आपका, और जिस वक्त आप एजेंट से हाथ छड़े और जो आपका पूरा सफ़र रहा, यानी उसमें जो जो आपने स्ट्रगल्स फेस की, दैट चेंज्ड यू इंटरनली, आपकी जो सोल थी, यानी यू वर रीबॉर्न इन दिस होल जर्नी, जो कि मैं असेस कर पा रही हूँ। सो यह है कि आपका बेशक कोई खर्चा ना हुआ हो, बट ये जो सोल का खर्चा है या जो आपका टाइम का है या जिस तरीके से जो है जो ट्रॉमाज आपने फेस किए, दिस इज व्हाट काउंट्स। सो आप हमेशा जो है पैसों में नहीं तोल सकते, आपने ये देखना है व्हाट हैव यू गेन्ड फ्रॉम इट, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। सही, बिल्कुल ऐसा है। तो इसमें एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, फैमिली के इग्नोर की बात नहीं इसमें कोई भी, मैं अपने शौक की वजह से गया था। वो तो मैंने शुरू में इसलिए बताया कि उस दिन सिर्फ ड्रामे में इतने वो मगन थे कि उधर ही मतवचे रहे, वरना ऐसा कोई मामला नहीं। मेरे मतलब भाई हैं, वालदा हैं, डैडी थे, अब नहीं है, तो बीवी बच्चे मेरे, उस वक्त भी मेरे 5 बच्चे थे, माशाल्लाह अभी अल्लाह ने और तरक्की कर दी है, तो माशाल्लाह। हाँ जी, तो मतलब मैं वैसे ही खुद को ना चैलेंजेस देता हूँ, टारगेट देता हूँ, फिर उस पर लग जाता हूँ, तो ऐसे ही बस कह लें कि हूड मत कहते हैं पंजाबी में, तो बस कहा जी जाना है तो जाना। तो जौजा क्योंकि बड़ी चाहने वाली है, बड़ी वो इमोशनल भी हुई है, वो मैं कहा नहीं अब जाना है तो जाना। तो खैर वहाँ जब जैसे ही पहुँचे तो आगे फिर जो आखिरी ठिकाना था हमारा, वहाँ पहुँचे उन्होंने जाके हमें कमरे में बंद कर दिया और बड़े खूबसूरत से डंडे उन्होंने जनाब सजाए हुए, जिनके ऊपर टेपें लिपटी हुई और जनाब बड़े सजाए हुए डंडे, उन्होंने कहा जी कि अब आपने पैसे मंगवाने हैं पाकिस्तान से, इस अकाउंट पे इतनी रकम जो है आपने देनी है। मैंने 1.5 लाख पाकिस्तान के हिसाब से दिया था उस वक्त 2016 में। तो मेरा दोस्त था पीछे, मैंने उसे कहा गया जब मैं कहूंगा इस नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दें। अब यहाँ पैसे देने होते हैं, रास्ते में तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, कोई खर्चा नहीं, लेकिन वहां जाके पैसे देने थे, वहां फिर जाके दिए और मैंने तकरीबन सबसे पहले ही दे दिए क्योंकि मुझे मार से जरा डर लगता है और वैसे मार खाऊंगा भी कहाँ है, मार खाने के लिए कोई जगह भी नहीं ना मेरे पास, तो फिर इसलिए मैंने पैसे जरा जल्दी दे दिए। लेकिन जिनके पैसे लेट हुए जो था उनको बड़ी बड़ी मार पड़ी, और उनकी मार देख के ही मैं तो वैसे ही बुक हो गया था, यार काफी है मेरे लिए, इतना ही काफी है, मुझे कोई कुछ ना कहा। तो 2-3 दिन रहा वहां पे, खिड़की से उस कश्ती वाली पहाड़ को झांका करता था कि यार यहाँ क्या है, ये कैसा मंजर है। लेकिन बाद में पता चला मुझे जब मैं तुर्की पहुंचा कि वहां पे ही कश्ती पड़ी हुई है। तो खैर वहां से फिर मैडम उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया, बस में, बस फिर तकरीबन 24 घंटे चली और इस्तांबुल आ गया, इस्तांबुल तुर्की। वहां गया, वहां रहा, वहां जाके एक नया ट्रेंड चला हुआ था उन दिनों में, लोग पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को अगवा कर रहे थे, सर्दियां थी, सर्दियों में वहां जरा काम कम होता है, बर्फबारी हो जाती है ना, अब जिंदा रहने के लिए तो वहां कुछ करना है, तो पाकिस्तानी एक दूसरे को अगवा कर लेते हैं, स्त्रियां लगाते हैं ऐसी जगह पे कि बताना मुश्किल है कि जनाब वो फिर कहते हैं मंगवाओ घर से पैसे, तो फिर वो मंगवाने पड़ते हैं जी। उस वक्त था ये रिवाज, लेकिन हमने भी देखा। फिर वो जो मेरा एजेंट था वो जनाब जैसे ही मैं इस बस के लिए रवाना हूँ, जैसे ही यानी पेमेंट दे दी तो उसका और मेरा रब्ता ख़त्म, नंबर बंद, ना कोई जानता है ना पहचानता। तो ये ज़रा इमेजिन कीजिएगा, मैं जब इस्तांबुल पहुँचा तो सुबह के तकरीबन 8-9 का टाइम था। अच्छा। कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे तो ये नहीं था पता कि मशरक मगरब किधर है, शुमाल जनूब किधर है। तो मैं खड़ा हूँ, एक टैक्सी वाले से जाके बड़ी मुश्किल से बात की, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यो क्यों सादा रे तुर्की अकाउंट में, क्यों ये क्या होता है। तो हाँ, तुर्की वाले इंग्लिश नहीं बोलते, यस वो जस्ट टर्किश ही बोलते हैं, आई रिमेम्बर। वो जनाब कहें कि सिर्फ जी तुर्की, मैंने कहा चलो। फिर कुछ लड़के रास्ते में थे उनके साथ ही मैं उनके घर चला गया, लेकिन वो भी किसी के पास गए, उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप मौलवी आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जनाब इतने पैसे हम भी लेंगे नहीं तो मारेंगे। मैंने कहा मारना नहीं, पैसे मिल जाएंगे। तो फिर उनको भी पैसे दिए,
मार से बचने के लिए, वो एक तरह का छोटा सा अगवाई था मेरा, तो वो भी दिए, घर नजरबंद भी उन्होंने किया, तो खाना शाना तो खैर दे ही दिया था उन्होंने। फिर जब पैसों में थोड़ी तखीर हुई तो खाने पे भी पाबंदी लगी। इस तरह के बड़े मामला देखे। फिर क्योंकि धुएं से एलर्जी है मुझे, तो उस दो कमरों के घर में 40 लोग रहते थे, अंदाजा करें दो कमरों का घर और 40 लोग, तो कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, और हर वक्त सिगरेट लगे हुए, कम से कम 10, 12, 15 सिगरेट हर टाइम जल रहे होते थे। तो मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा मैं जिंदगी में कभी किसी सिगरेट वाले बंदे से सलाम दुआ नहीं रखी, ये क्या हो गया। तो ये चीजें जब मैंने देखी तो इससे अकल मेरी, उसको वसत मिली, जहन की खिड़कियां खुली कि बेटे अब कुछ करना है, बात हो गए। तो जैसे मैंने उनको पैसे दिए, मैं बाहर निकला, एक बंदे से बातचीत की, नोटबुक खरीदी, पेंसिल खरीदी, और उस पर आके तुर्किश लिखना शुरू कर दी। तो पहले ही दिन मैंने 100 तक गिनती याद कर ली, काउंटिंग तुर्की जुबान में। फिर कुछ जुमले ज़रूरी जो थे काम ढूंढने के हवाले से वो याद किए, काम भी ढूंढ लिया, रहाइश भी मैंने अलग कर ली। फिर वहाँ रह के मैंने ये तहैया किया, हाँ जी ये पहले ही हफ्ते में किया, वहाँ ये रह के तहैया किया कि इन पाकिस्तानियों को एक तो रोकना है कि इधर नहीं आना, दूसरा जो आए हुए हैं इनको अगवाकारों से बचाना है, इनको सारी सहूलियत देनी है। तो अल्लाह का फजल था, नीयत मेरी साफ थी, इरादा अच्छा था, अल्लाह ने मुझे वहाँ पे एक छोटा सा रेहान अल्लाह वाला बना दिया हुआ था, मिनी रेहान अल्लाह वाला। तो वहाँ रह के मैडम मैंने फिर लोगों की इसलाह की, जिसको भी पूछा उसने कहा जी मुझे तो 6 माह हो गए, 1 साल हो गया, किसी ने कहा 1.5 साल हो गया, कुछ कमाया नहीं, कमाना कहाँ से, काम ही नहीं मिलता, तो काम कैसे मिले जब वो मोबाइल पर जुबान नहीं आती और उस मोबाइल पे किसी ने जुबान सीखने की कोशिश नहीं की। जिसने भी देखा मैंने उधर वो गमों के साए लगा के दुखी दुखी गाने वो सुन रहा है, आंसू बहा रहा है, घर वक्त याद आ रही है, तो बस इन्हीं कामों में सब लगे हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि ये चीजों से तो हम बचेंगे, मैं क्योंकि जरा कुश्तियां वगैरह पड़ी, रेसलिंग देखा करता था, वो देखते देखते फिर मैंने ना सोचा कि ये कुश्तियां भी बड़ी हो गई, अब कुछ और देखो। तो मैडम जुबान को मैंने फिर मुसलसल सीखा 3 माह में, 1 माह में वैसे ठीक हो गई थी लेकिन 3 माह में मैंने फिर इसको मजीद ठीक किया। जब 3 माह में वो ठीक हुआ, काम मैंने करके दिखाया, मेरे जो बॉस थे वो बड़े खुश हुए कि यार कमाल, पाकिस्तानी हो तुम तो सिगरेट भी नहीं पीते और चाय भी नहीं, तुम मजबूरा नहीं पीते हो। मैं क्या, हाँ जी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है तुर्की गए हुए थे, फिर जरूरत से ज्यादा अच्छा पेश आए कि यार चलो मेरे मुल्क का नाम भी रोशन हो, मुल्क की इज्जत का सवाल है, इतने अच्छे थे नहीं तो ज्यादा अच्छा पेश आना। अच्छा देखिए आई थिंक यानी जगह जगह पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम तुर्की विजिट किया था, दैट वाज बैक इन 2007, और ये है कि मुझे भी वहाँ पर ही जाकर जो है ये शौक जो है लगा कि भाई इनको तो इंग्लिश नहीं आती, आपको तो हर चीज़ जो है टर्किश में कम्युनिकेट करनी पड़ती है। बट लकीली ऑफिस का जो बंदा था ही वाज अ टर्किश, सो उसने हर जगह मुझे फैसिलिटेट किया, थोड़े बहुत जो लव्स थे टर्की के वो भी उसने जो है मुझे सिखा दिया। फिर यह है कि मैं जो वॉक जो है काफ़ी वो करती थी, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता था कि बजाय मैं लेरा दूँ, टैक्सी लूँ और फिर जो है जाऊँ, जिस जगह मैं स्टे कर रही थी उधर से जो जवाहर था, दैट्स वन ऑफ देयर आई गेस मॉल्स हैं, तो वो मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट्स के रास्ते पे था। बट ये आई यूज टू वॉक, और रास्ते में जो साइन बोर्ड्स होते थे मैं उनको याद करती जाती थी, या अगर लोगों के साथ इंटरेक्ट करी होती थी तो उनसे भी कोशिश करती थी कि अगर ये कोई साइन लैंग्वेज समझ जाए, हालांकि साइन लैंग्वेज भी नहीं मुझे आती थी। बट ये है कि ओवरऑल जो जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, इवन जो कॉमन लोग थे वो अच्छे थे, एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड पाकिस्तान और पाकिस्तान का कल्चर। ये अलग बात है जो वहाँ पर यूथ थी, दे डिडंट नो कि पाकिस्तान जो है हमारे मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है और क्या है, कि किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है या कंट्री है या क्या है, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ इट। हालांकि मैं उधर देखती थी कि भाई यहाँ पर तो ईस्टर्न और वेस्टर्न और सेंट्रल कल्चर जो है इतना मिक्स हुआ हुआ है, तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। बट ये कि ओवरऑल आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि मेरा ज़्यादातर जो स्टे था इट वॉज इन इस्तंबुल, सो इस्तंबुल से जब आप अक्रॉस जाते हैं तो देन दैट्स मोर ऑफ स्लम एरियाज, अजमेर भी जो है अच्छा था।
सो वो यह है कि मेरा खाला मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे साथ वो था टूरिस्ट था काइंड ऑफ थिंग बंदा ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि इनको इधर लेकर जाना है इधर नहीं लेकर जाना बट येस डेफिनेटली जब आप कॉमनर्स के साथ कुछ शॉपकीपर्स थे जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था एंड वो वाकई में वो आपकी बात आई कैन रेजोनेट ही वॉज मोर ऑफ वो अगवा टाइप का ना क्योंकि ही सेड के जी आज मेरी बर्थडे है यू कम टू माई प्लेस ना मैंने कहा हाउ कैन आई कम टू योर प्लेस आई डोंट नो यू तो नहीं यू कम तो मैंने कहा नहीं तो मैं तो जो सीरियसली इतनी डर गई हालांकि आई वॉज यंग एट दैट टाइम आई गेस आई वॉज 27 ईयर्स और यह कि उस तरह मेरा बाहर का एक्सपोजर नहीं था सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं यानी आफ्टर यानी बड़े होकर यानी छोटे होते तो अब्बू लेकर गए थे बाहर बट यह है कि व्हेन आई वाज इन वर्किंग सो उस टाइम पे जो है इट वॉज फर्स्ट टाइम कि मैं जो टर्की गई हूँ बट यह है कि अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई बट जिस तरह आप बताते हैं कि भाई एक अगवा वाली पार्टी थी दूसरी अगवा वाली पार्टी थी सो मोर और लेस यस उस तरीके के आपको लोग मिल जाते हैं एंड वो आपके लिए असेस करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये जो है सही है या गलत है सो यू कैन एंड अप यू नो बीइंग कैप्चर्ड ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल सो आपने तो जो है आई मस्ट से बहुत ही आप एक ट्रॉमा से गुजरे हैं एंड आफ्टर दैट ट्रॉमा लाइक You were successful in the sense कि आपने जो है you made something out of your life like इस तरह नहीं कि जिस तरह बाकी लोग अगवा हुए उन्होंने पैसे दे दिए and then they were living a very bad life you found a job you learned their language you integrated within their culture और फिर ये क्या you opened a help center ताकि जो और पाकिस्तानीज आ रहे हैं जो illegally खास तौर पर आते हैं उनको किस तरह help out किया जाता है So that's quite a journey. जी बिल्कुल मैडम यही काम रहा यही मकसद और महवर था मेरा फिर कुछ लोगों को मैंने तजुर्बाती तौर पे मुशाहदे के तौर पे ट्रेन किया इंग्लिश तुर्की सिखाई काम ढूंढ के दिया और राइटर की जॉब मैंने ढूंढ के दी क्योंकि इस्तांबुल और जिस इलाके में मैं था तुर्क लैमट उस इलाके का नाम है जहाँ तुर्की की सबसे ऊंची बिल्डिंग है तो उस इलाके की मुझे गली गली से वाकफियत है तो मैं फोन पे भी समझा देता था कि जी कहाँ खड़े हो दाईं तरफ हो जाओ बाईं तरफ हो जाओ सामने चले जाओ ये वो तो इस तरह बड़ी अल्लाह के फजल से मैंने लोगों की मदद और रहनुमाई की तो फिर वो जो माफिया था फिर क्योंकि मेरे पर निकल आए थे मुझे मेरे साथ वो मैंने फिर एक काम किया कि जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई थी जो भी अगवा हुए थे मगवी जो लोग थे उनको साथ जोड़ा अब क्योंकि उनके अंदर एक जोश व जज्बा था इंतकाम की आग थी फिर उनको जोड़ के उस इलाके को अल्लाह के फजल से हमने पाक किया इन हरामखोरों से तो फिर हाँ जी एक टीम बना ली थी फिर पूरा उधर जनाब मारदाड़ भी हुई फिर वो जो टेढ़े मेढ़े लोग थे उनके साथ फिर हम सीधा भी हुए और जिन्होंने हमें कभी डराया था धमकाया था उनके लिए फिर एक नाम ही काफी था और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ फिर वो लोग उन इलाकों से निकले और मजबूरन जो रह रहे थे उन्होंने ये काम छोड़ा और अहद किया कि नहीं सब हम ये नहीं करेंगे वो गलती हो गई माजी में हम उससे भी माफी मांग लेंगे उससे भी तो इस तरह के मामला हुए तो फिर इन चीजों से अल्लाह के फजल से हमने उस इलाके को पाक किया जहाँ मैं था बाकी काम ये चल रहा था तो फिर उसके साथ ही अल्लाह का शुक्र है ये चलता रहा फिर मुझे ग्रीस जाने का शौक पैदा हो गया जनाब फिर मैं वहां नहीं रुका ग्रीस चला गया अच्छा वो भी पैदल ही ठीक है तो वहां गया पहली दफा गया तो पकड़ा गया उन्होंने जो डिपोर्ट कर दिया यूनानी थे उन्होंने बड़ी इज्जत दी बड़ी मोहब्बत दी जनाब कोई गालम गलोच नहीं कोई इतने इतने लंबे नौजवान थे वो नकाब पोश के अल्लाह माफ करे उन्हें देख के डर लगता था ये हम कौमे आर की जमाने में तो नहीं आ गए इतने कड़ियल जवान थे तो वो पकड़ अच्छा। के हमें तुर्की हाँ जी तुर्की की हदूद में छोड़ देते थे रात के टाइम तो फिर दोबारा चला गया फिर पकड़ के उन्होंने छोड़ दिया फिर तीसरी दफा फिर चला गया अब तक तो रस्ते भी सारे याद हो गए थे तो ये मैंने बहरी एक नहर आती है वो क्रॉस करके जाना होता तो इस तरह मैं गया फिर आगे चल के यूनान के जंगलों में भी सोए और बर्फ पे भी सोए बर्फ पे क्या सोना होता है इंसान तो मतलब इस तरह सोता तो नहीं है जागता ही रहता है तकलीफ होती है और फिर जंगल का जो खौफ है
फिर और भी कई तरह के खौफ, तो ये सारे देखे हुए हैं। ग्रीस जाके भी फिर मैं वापस आया, फिर इस्तांबुल ही रहा, वहाँ से फिर 3 साल गुजारे, वहाँ से फिर मैं अल्लाह का शुक्र है वापस आना था आया। लोगों ने बड़ा कहा ना जाएं, अब तो आपको जुबान आती है, आप तो ठीक हो गए। ये फिर वहाँ भी मैंने अपना कारोबार भी किया, स्क्रैप का कारोबार कह रहे हैं, हाँ जी। तो गो के मैं इलीगल था, लेकिन कुछ मेरे तल्लुकात बन चुके थे जिनके नाम पे मैंने काम किया, कफील कह रहे। तो ऐसा मामला देख लें, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं किया, डर लगता था, लेकिन वहां जाके कर लिया, पता था कि कुछ गलत नहीं होना, तो किया काम किया। फिर पाकिस्तानियों को ही रखा, उनको भी सहूलियत दी, तो अल्लाह का शुक्र है। ये सारे मामलात करने के बाद फिर मैं वहां से आया हूँ, 2020 को वापस आया। अब जैसे ही मैं वापस आया तो कोरोना भी साथ ही आ गया, तो जब कोरोना भी आ गया, घरों में बंद, और वैसे भी दुनिया में से बड़ी परेशान थी, लेकिन मेरे पास पैसे थे, कुछ तुर्की से भी पैसे आते रहे। फिर तुर्की में मैंने एक मकान लिया हुआ था उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, तो उनको मैंने रखा, जैसे ही काम सिखाया, काम पे लगवाया, तो वो फिर रहा करते थे। मकान मैंने 1000 लीरे का दिया हुआ था, लेकिन वो लोग रेंट दिया करते, हाँ जी, रेंट जो वो सारे डालते थे 2-2, 4-4 सौ, तो वो कुछ पैसे कह लें कि 500-600 लीरा मुझे भी महाना बुनियाद पर बच जाता था, जो पाकिस्तान तक मुझे ना मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, वो बेचते रहे। यानी कोरोना मेरा ठीक गुजरा पैसों में। अच्छा, तो वो मामला चलते रहे। फिर तब जाके कहीं मैंने आजाद चाय वाला एक नाम है बहुत बड़ा, वो मैं सुनता रहा तुर्की में भी, क्योंकि मैंने कहा कि अब अपनी जो जो मैं जिन चीजों को फॉलो करता हूँ, जिन लोगों को, वो लोग बदलना पड़ेंगे। मैंने कोई जॉन सीना तो नहीं बनना, रोमन रेंज तो नहीं बनना, कुश्तियां तरक कर दूं अब मैं। तो वो फिर कुश्तियां तरक की, फिर वो वो सारा वो उस्ताद आर्नल्ड की फिल्में देखा करता था जनाब, जान रैम्बो की, और गन फाइट। मैंने कहा यार ये कहाँ बैठे हैं, को वापसी का कुछ करें। तो वहां फिर मैंने फिर इतनी देर में इमरान खान साहब आ चुके थे, इमरान खान साहब की वजह से आजाद चाय वाला को देखा जाना, इनको सुनते सुनते जी रेहान भाई से सीखा, रेहान भाई से सीखा। मैंने कहा ये रेहान भाई कौन है जो आजाद चाय वाला के भी रेहान भाई है। तो जब ढूंढा तो ये बुजुर्ग मिले, बस इनका पीछा किया और पूरा पीछा किया, इनको फॉलो शॉलो किया, जो कुछ इनके कोर्सेज थे वो किया, जिनमें से इनका एक कोर्स है, कोर्स नंबर 1, तो उसको किया, जो जो टास्क दिए वो पूरे किए ईमानदारी से, और बड़ा बदलाव आया, बहुत चेंज आया। मेरी खुशकिस्मती कि थोड़े दिनों बाद इनके बेटे की शादी आ गई इस्लामाबाद, गुजरांवाला से वो 4 घंटे दूर है। मैं फिर निकला घर से, मैंने कहा बस गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होगा आज यार। अच्छा ठीक है, नहीं अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं, जाहिद दीवाना हुआ ना। हाँ लेकिन कहावत तो यही है, अब आगे गया तो दूल्हे का नाम दीवाना था, मैं कह लो दूल्हे का नाम अब्दुल्ला था, मैं क्या ये एक नई बात हो गई। अच्छा अब्दुल्ला ठीक किया, मैंने कहा अब्दुल्ला की शादी में राना दीवाना ये ठीक रहेगा। ठीक है, दरअसल तो आपको रेहान साहब ने कैसे जो है वेलकम किया? वेलकम कैसे करना था, मैं फिर जरा वही ना, फिर कह लें कि बस मैं ढूंढू नजरें घुमाऊं, मुझे मिले ना रेहान साहब, मैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पोस्ट ही गलत लगाई थी, ये तो धोखा तो नहीं हो गया। लेकिन तो आप कभी उनसे मिले नहीं हुए थे, फर्स्ट टाइम था, मिलना कैसे था। और मैंने तो जब उनसे पहली मुलाकात हुई, उनको जाने हुए भी सिर्फ 25 दिन हुए थे, मैं कह ये मैंने तो गलत फैसला तो नहीं कर दिया। यानी 2021 की 5 फरवरी को मैंने पहली मर्तबा जाना कि ये रेहान भाई वही हैं जिनका जिक्र आजाद चाय वाला करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ओके, तो फिर जब उधर गया मैं ढूंढूं, दूल्हा देख लिया, दूल्हे को मिला मैं, फोटोज हैं मेरे पास, तो मैंने कहा यार वो डैडी की तरह है आपके जिन्हें रेहान अल्लाह वाला कहते हैं, कहते थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब उन्होंने कहा आ जाएंगे तो मुझे भी चैन की सांस आ गई, मैं कहा अच्छा आ जाएंगे ठीक है, सही शादी पे आया हूं। हां मैंने कहा सही है जगह पे आ गए। तो मैंने देखा रेहान साहब भी आ गए, मैंने पकड़ लिया, मैंने जनाब जफियां जफियां डाल ली, मैंने कहा जनाब बड़ा ढूंढा आपको, और फिर जाहिर है हम उनके फैन भी हैं, तो पकड़ लिया मैंने, मैंने फौरन मोबाइल निकाला, मैंने कहा सेल्फी दे दें। कहने लगे मौलवी सामने बैठा है, बच्चा मेरा बैठा है, निकाह तो पढ़वाने दो। मैं कहा नहीं मुझे सेल्फी दे दें, मैंने नहीं बचना। तो जबरदस्ती की सेल्फी भी ली, निकाह शिकाह हुआ,
दीवानापन दिखा दिया ना, क्योंकि चाह तो फिर पूरा चाह, वरना चाहत में मिलावट हो तो फिर चाहने में मजा आनी ना। तो फिर जनाब निकाह वगैरह हुआ, बाद में ये लोगों के साथ मसरूफ हो गए और इतने लोग इनके चाहने वाले के सेल्फियां ले रहे कुछ। फिर इन्होंने वहां से एक जगह पे जहाँ खाने शाने का भी रेंज था वहां पे गए, अमार जाफरी साहब के पास आप जानती होंगी, तो वहां गए, वहां मिले, तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे, एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है एंटरप्रेन्योरशिप भी को लफ्ज होता है दुनिया में। फिर जनाब और बातें जी, जनाब डिजिटल स्किल, डिजिटल क्रिएटर, बड़े बड़े नाम उधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, वो जिन्हें मैंने यूट्यूब पे देख रखा था, जैसे शाकर अली राजपूत हो गए, इमरान इम्पैक्ट वाला हो गए, राणा इमरान। मैं कह ये क्या है यार, तो मैंने रियान साहब को कहा हजूर को मुझे भी बात समझाएं, समझ ही नहीं आ रही कुछ। उन्होंने दो तीन लोगों से मिलवाया, वो आगे से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, वो मुझे नहीं समझ आई। मैंने फिर फाइनली इनसे कहा कि जी मुझे इजाजत दें मैं फिर जाऊं। इन्होंने कहा तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। मैं कहा काम कौन सा होना है, मैं कौन सा पंखा ठीक करवाने आया था, मैं तो आया हूँ मतलब आपसे मिलने, तो कोई लिफ्ट ही कोई नहीं। इन्होंने कहा आ जाओ भाई। इन्होंने फिर बिठा लिया, वही जबरदस्ती वाला जबरी वीडियो, आ जाए जी हमारे साथ। मेरी तो उधर ही सांस रुक गई। मैं कह जी राणा कहाँ से आए हो, मैं कह गुजरांवाला से, क्यों आए हो, मैं कह आपसे मिलने, मुझसे मिलने आया हो, मैं क्या। तो वहां पे फिर इन्होंने 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में इन्होंने पूछ लिया कि अलादीन का चिराग मिल जाए तो कौन सी ख्वाहिश, ये वो कुछ ऐसा जिक्र किया। तो दो ख्वाहिशें तो मैंने पहले से फिक्स की हुई थी, जिनमें से एक तो था कि मैं इनका शागिर्द बनूं, पहली ख्वाहिश। दूसरी ये थी कि मैं एक हेल्प सेंटर बनाऊं जिसमें तुर्की के लोगों को मैं हेल्प आउट करूं कि यार इंसान बन जाओ, एक तो जाओ ना और जो वहां हैं वो वापिस आए, हम कुछ करें इनके लिए। तो इन्होंने ठीक पहले है, से हेल्प सेंटर बनाया हुआ था, इनके पास हेल्प जबरदस्त। सेंटर पाकिस्तान वाला भी है और तुर्की वाला भी था, लेकिन बंदा नहीं था मिल रहा। फिर इन्होंने कहा अच्छा यार कमाल हो गया, तुम तुर्की साथी या। हाँ जी, मैंने फिर बोल के सुनाई। इन्होंने कहा बस ठीक है हो गया काम भाई, तो हेल्थ सेंटर मिल गया। फिर 4 माह की इनसे दूरी रही, लेकिन फिर इनके साथ फिर इनका लाहौर आना हुआ 4 माह बाद। तो मैं वो रास्ते में कह लें कि मैंने भी जाल बिछाया हुआ था, मैंने फिर जाके वो पकड़ लिया, जहां इनका प्रोग्राम था उधर घुस गया अच्छा जबरदस्त। फिर इनसे मुलाकात हुई, फिर इन्होंने देखा कि यार ये वाकई कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और ऐसे लोगों की रेहान साहब को तलाश भी है और कदर भी है। फिर इन्होंने अपने साथ रखा, मौका दिया, क्या कर सकते हो। मैं कह मुझसे गाड़ी चलवा लें, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। गाड़ी चलाई, इन्हें पसंद आ गई, इनके साथ शुमाली इलाका जात में सफर किया, स्कर्दू तक अच्छा गए, पाकिस्तान के आखिरी गाँव तक गए। गाड़ी इन्हें मेरी पसंद आ गई कि यार तुम तो बड़े पक्के ड्राइवर लगते हो। मैं कहा हाँ जी पक्का ही, कोई लाइसेंस भी है, टेंशन भी कोई नहीं, सारा कुछ। तो जब वहां से आए, क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे को जानता है, किसी को जानने के लिए कहा जाता है ना 3 तरह के, आप फिल्टर लगा लो कि यानी खाना भी खाओ, लेन देन भी करो और सफर भी करो। अब खाना भी खा लिया, सफर भी कर लिया, सारा कुछ। तो इन्होंने देख लिया हुआ था कि चलो यार बंदा तो ड्राइवर है, लेकिन कोई ना नशा करता है, ना पानी, ना कोई और ऐसे काम। तो कुछ बातचीत मेरी इनके साथ हो गई। फिर उन्होंने कराची आने का मौका दे दिया। जब कराची आए तो फिर था तो मैंने कहा जी ड्राइवर ही रखे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इन्होंने मेरा शौक देखते हुए मुझे हटा के तो लैपटॉप पे बैठने का मौका दिया, ये चीजें सिखाई, जाना मेरे, मुझे छोड़ दिया 2-3 माह के लिए कि जो मर्जी करो। अब जो मर्जी करने के अंदर अंदर मैंने इनके कोर्स, एक ही कोर्स है इनका जो सबसे पहले किया, जब वो कोर्स किया तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डर निकला, मेरे अंदर से एक्टर निकला, ठीक है, मेरे अंदर से जनाब एक मॉडल निकला। तो मैंने फिर रेहान साहब से कहा कि इज्जत मान ये क्या है, मुझे तो इन चीजों का पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा बेटे पता कैसे हो, तूने कभी खुद को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, आज तक तो तू लगा हुआ था मतलब जान सीना के पीछे, तो तुझे खुद का पता नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ये आज तो तक है। तो आप दुनिया ढूंढने में लगे हुए थे, अपने आप को तो आपने ढूंढने का मौका ही नहीं दिया। हाँ जी, तो फिर इसी तरह मैडम हुआ कि मैं फिर, अब अल्लाह का शुक्र है, अब क्योंकि 2 साल और तकरीबन 25 दिन हो गए रेहान साहब के साथ काम करते हुए, मुझे एक एक दिन मैं गिन के गुजारता हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह। एक बहुत बड़ा चेंज आया, कभी इत्तफाक हुआ तो आज भी इस पे बात हो रही थी, जो मुझे जानते हैं उनकी तो हैरानी नहीं जा रही कि ये वही राना है यार, ये वही जो मतलब हर दूसरे झगड़े में इसका जिक्र होता था।
और जब भी ये अच्छा कहीं से आ रहा होता था तो पता चलता था कहाँ से आ रहे हो यार, वो थाने गया था जरा थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए कभी हाँ नाइट स्पेंड किया थाने में या सिर्फ हाँ यानी घंटे? कि यार जब मार्केटाई करनी है तो फिर वो भी तो फिर हिस्से में आती है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम कौन से मतलब उनके पीरों के बेटे हैं कि वो हमें कहेंगे कुछ नहीं। तो ये इलाकाई कह लें, रिवाजी कह लें मामला, तो चलता है ये। तो फिर मुझे निकलना था इस माहौल से, मैं चाह रहा था कि मैं कितनी देर तक ये वाले मामला करूंगा, लड़ाई झगड़े और जनाब ये क्या है। तो फिर अल्लाह का शुक्र इन्होंने मौका दिया, मैं यहाँ आ गया। 1 साल तकरीबन इनके साथ मैं जब चला, इसी दौरान इन्होंने रेहान स्कूल का कायम किया। रेहान स्कूल जब इन्होंने बनाया तो इस वक्त मुझे इनके साथ काम करते हुए कुछ 7 माह हुए थे तकरीबन। तो फिर यहाँ आके मैंने यहाँ का निज़ाम देखा। मैं तो क्योंकि बतौर कैमरा मैन आया, एक तरह का कह ले तो चौकीदारी भेजा थी इन्होंने, जाओ यार हमारे स्कूल की देखभाल करो। तो यहाँ देखभाल के दौरान ही फिर मैंने कहा मौका अच्छा है और जितना इतमाद है बेटे सारे खर्च कर दो। वो फिर बच्चों को मैंने पूरे इतमाद करने में काम किया, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको बोलने में जो मसाइल थे वो दूर किए, उनकी जनाब मदद की। तो इसी दौरान मेरे अंदर से जो कॉन्फिडेंस बिल्डर है वो सही तरह चमक दमक के बाहर निकला। तो रेहान साहब ने सराहा इसको, मुझे अप्रिशिएट किया। फिर जब यहाँ का तालीमी निज़ाम देखा, यहाँ के मामला देखे, तो फिर रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं जो हर दूसरे महीने और पहले महीने पंजाब की तरफ दौड़ता हूँ, तो क्यों ना अपने भी बीवी बच्चे इधर ही बुलवा लूँ, यहाँ वो तालीम हासिल करें, यहाँ पे पढ़ें, अच्छा, तो उनको भी तो हक जबरदस्त। है कि ये वाला देखें। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो रेहान साहब का विजन है वो कमाल विजन है और मेरे पास तो सिर्फ टेलीविजन है, तो ये फर्क कैसे आएगा। तो ये चीजें मैंने कर दी थी। फिर मैं गया बीवी को जाके बातों में लिया, डायलॉग बाजी की, बेगम को फंसा लिया मैंने बातों में। तो फिर हमादा कर लिया कि हम जाएंगे कराची। तो इन दिनों में आज से 1 साल पहले मैं उसे बस डायलॉग बाजी कर रहा था, मैं उसके साथ जनाब पूरा उसे मनाने में लगा था। तो खैर मना लिया और मैं बड़ी ईद के बाद अपने बीवी बच्चे लेके वहां से हिजरत की। रास्ते में गाना भी गुनगुनाया, हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है। तो ये सारे मामला किए हैं। तो फिर यहाँ आ गया, यहाँ आगे 1 साल से। तो पहले तो 1-2 माह बच्चों ने कहा, बेगम ने कहा हमने यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो पीने वाला पानी भी खरीदना है, नहाने वाला भी खरीदना है, ये क्यों कौन सा इलाका ले आए जहाँ आप ले आए हमें। तो हालांकि मैं क्या ये करना खैर पड़ता, ये पाकिस्तान का हिस्सा। अब क्योंकि हम उन पानियों से नहाए हैं जो नेस्ले लेवल के पानी है, जहाँ पे टूटी खोल के हम अक्सर भूल जाते हैं, खुले पानियों में यहाँ पे खरीदना पड़ता है पीने वाला। तो ये बड़े हैरान कन चीजें थी, लेकिन रहे यहाँ पे क्योंकि मैं किसी मकसद के तहत आया हूँ, ऐसे ही तो नहीं आ गया। तो यहाँ पे फिर कोई तकरीबन पिछले 10 माह से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे यहाँ पे ही तालीम हासिल कर रहे हैं। अब जब उनमें अच्छा चेंज आ रहा है तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं उनकी माँ को पूरा ऐसे देखता हूँ। आप बताओ ये वही बच्चे हैं ना तुम्हारे, तो वो पंजाबी में कह रहे माशाल्लाह। मैनू दे पता नहीं की पे कर देने ना, कि चलो सही सही कर रहे हैं, अब कह रही है सही कर रहे हैं। लेकिन शुरू में उसने एहतजाज किया ना, यहाँ होमवर्क मिलता है, बच्चे जब देख खेल रहे होते हैं, मोबाइल दे रहे हो आप, लैपटॉप दे रहे हो, तो ये कैसे होगा। मैं क्या छोड़ दो। तो मेरी बेटी है एक, वो भी इधर है, 3 बेटे हैं, वो भी इधर ही पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। बोलना आ गया, इंग्लिश में इंटरव्यू, अब राजपूतों के बच्चे इंग्लिश में इंटरव्यू, भाई बड़ी बात है। क्योंकि मैं गांव से हूँ, राजपूत होना कोई नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे राजपूत है, लेकिन गांव में जिस माहौल से मैं आया हूँ ना, वहां पे ये चीजें कह लें कि वहां के तो हम नाजो में चौधरी जहाँ हैं। पढ़े चौधरी कह लें कि ये कमाल कर दिए भाई, इंग्लिश भी आती है इन्हें, है कितना पढ़े हो। अब लोग पूछते हैं कितना पढ़े हो, क्या पढ़ रहे हो। तो ये चेंज आ गया। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद इंग्लिश इंटरव्यू करना हो किसी का, मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई मसला ही नहीं। तो ये मामला यहाँ पे ठीक हो गए। तो ये मैडम सफरनामा था सारे का सारा, जो मैंने तुर्की से लेके पाकिस्तान आके कोरोना का रोना भी देखा, रेहान साहब की शिफ्ट की यहाँ, बड़ी सख्त ट्रेनिंग है रेहान साहब की वो ली, बड़ी सख्त ट्रेनिंग। अच्छा तो हाँ, वो इतनी सख्त ट्रेनिंग के कुछ तो इनकी वो अक्सर कहा जाता है ना, फलां जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया फानी से कूच कर गया, इनकी ट्रेनिंग की ताब सह नहीं सकता, लेकिन जो सह जाता है अच्छा ना, हाँ कुंदन ही बनता है वो, फिर डायमंड ही बनता है कांच के टुकड़े से। तो
तो देखिए मेरा ख्याल है कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है, और सबसे पहले तो ये है कि आपके अंदर की जो ईगो है उसको आपको साइड पर रखना पड़ता है, कोई भी मेंटोर हो। इट्स नॉट दैट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रिहान अल्लाह वाला साहब, इट्स विद एवरी मेंटोर, क्योंकि डेफिनेटली जो मेंटोर के लेवल पे पहुंचा है वो वही सारे जख्मों की ताब लाते हुए ही उस प्रोसेस से गुजर के मेंटोर बना ना। तो यह है कि वन शुड बी प्रिपेयर्ड इफ यू आर टेकिंग द मेंटोरशिप ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, देन डेफिनेटली यू शुड बी रेडी। अब उसमें जो है इग्नोरिंग भी आती है, उसमें बात ना करना भी आता है, उसमें ऐसी बातें भी आती हैं जो कि आपका मेंटोर आपको कहे तो यू फील बैड कि भाई मैंने सो ऐसी बात नहीं की, देन वाई इज ही मेकिंग मी फील लाइक दिस ना। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। सो वो आपकी बात ठीक है, डेफिनेटली ट्रेनिंग सख्त होगी। सो ये है कि जब कूद पड़े हैं तो फिर तो या तैरना आ जाएगा या डूब जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि मैं तुर्की के सफ़र में मैंने जो चीज़ एक सीखी वो ये कि मुझे एक चीज़ अपने अंदर जानने में मिली कि बेटा जो तू एक ठान लेता है ना करके छोड़ता, तो ये मुझे उससे ताकत भी मिली है। अब कोई भी परेशानी मुश्किल आए तो मैं फ़ौरन से कंपैरिजन करता हूँ, उससे बड़ी तो नहीं बेटा जहाँ जंगल में थे खाने को भी कुछ नहीं था और डर भी था कहीं से गोली ना आ जाए कहीं से कोई टाइगर ही ना आ जाए, उससे मुश्किल तो नहीं। तो फिर मैं खुद को ही सेल्फ मोटिवेटेड हूँ बंदा, मैं खुद को ही समझा लेता हूँ तो वो काम जो है वह आसानी होने लगता है। तो खैर इनकी ट्रेनिंग के बाद इस मकाम पे हम पहुँचा हूँ मैं कि अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, बहुत सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, मज़ीद भी समझूंगा क्योंकि मुझे समझ ज़रा कम आती है। जिसमें शाहरुख कारोबार वाला से कभी भी रेहान साहब का मैसेज आता था तर्जुमा शाहरुख से करवाता था, यार इसका मकसद क्या है मुझे ये अच्छा नहीं आ रही, तो चाहे वॉइस नोट भी हो उर्दू में हो लेकिन ये बच्चा समझाता था। शाहरुख मुझसे काफ़ी छोटा है, छोटे भाइयों की तरह, तो इन्होंने फिर समझाना कि यार ये मकसद है इसका। तो इस तरह रहा। मैडम आफ्ताब है हमारे फाउंडेशन में फेलोशिप की हेड थी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, बच्चों की तरह ट्रीट किया, मेरे बेटे ऐसा कर लो इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, वरना मैं शायद ही मत हार जाता कि यार ये पढ़े लिखे लोगों का काम है मेरा है। तो अगर किया जी सारा कुछ किया, अब अल्लाह का शुक्र है जनाब, अब लाओ हमारे सामने। अब मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ, अब की सुन लें ये तो थी ना वो वाली बात है, अब मेरी ट्रेनिंग में एमडीए बैठे होते हैं जी, मेरी ट्रेनिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते हैं और मेरे लफ्जों को कलम बंद कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि यार ये तो 2 साल का सफर है जो मैंने 2 साल में यहाँ तक मैं पहुंचा। मेरे नाम के साथ जब लोग कैप्शन लिखते हैं सेल्फी विद द ग्रेट मेंटोर, मैं कहता हूँ या अल्लाह खैर शाहरुख ये मेंटोर क्या होता है ये बताई, तो फिर उसने भी बताया कि इससे क्या, तो हम मुझे क्या पता, हमने तो टीचर सुना था, ये मेंटोर कहाँ से आ गया भाई। तो ये सारे देखिए ये सारे ना वो कहते हैं हर लैंग्वेज के ना जागन्स होते हैं, ये जो टेक की दुनिया है ना ये उसके जागन्स हैं। तो आपने किसी को बहुत जो है इज्जत देनी हो तो आप कहेंगे ये मेंटोर हैं, ये हमारे गुरु हैं, इस टाइप के, ये स्वामी हैं या ये मॉन्क हैं, दीज आर ऑल जार्गन्स ना। सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल कंटेंट राइटर, विजुअल आर्टिस्ट, या ये है कि आईटी कंसल्टेंट या आईटी इंजीनियर, या जिस तरह एयोर है या एआई है, दीज आर ऑल जार्गन्स। तो ये है कि इनके अंदर कोई ऐसी वो रॉकेट साइंस नहीं होती जो समझना है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको मतलब जो है समझ आ जाए ना तो आप सब जो है ना यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो इन जो बड़े बड़े होते हैं ना लैंग्वेज में कहते हैं ना इंडियन लैंग्वेज में बड़े बड़े शब्द होते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि शब्द जो है एक एक वर्ड को मिलके ही बनता है जब हम सेंटेंस कंपोज करते हैं। सो अगर आप डर जाएंगे, क्योंकि डराने वाले बहुत होते हैं, सो अगर आप डर गए, जो डर गया वो मर गया। सो डरना नहीं है, ना डरना है ना घबराना है, और यह है कि अपना मिशन जो है पॉजिटिवली लेकर चलना है, और डेफिनेटली आपको अपने मिशन में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपका विजन आगे बढ़ाने में बूस्ट करते हैं। सो कोशिश, जिस तरह आपने ट्रेनिंग्स ली और जिस तरह आपने उनके कोर्सेज पढ़े, और डेफिनेटली आपने अपने जो लोग हैं जो नेटवर्क है वो चेंज किया, क्योंकि नेटवर्क चेंज करने से जितना ज़्यादा आप जो है खिल जाते हो ना, जितना फूल खिल जाता है ना, उसी तरीके से जब आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं या आपके बातों के साथ रेजोनेट करते हैं, या ये है कि अगर आपने से कोई ऐसी बात की जो कि नेगेटिव है,
तो वो आपको जो है उस पर कोई अच्छी बात ही करेंगे, तो उससे जो है आपको एनर्जी को ना बूस्ट मिलती है। और यह है कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कि ओवरऑल जो है वो आपसे जब मिलेंगे तो दे विल हैव समथिंग नेगेटिव टू ऐड। सो जो इस किस्म के लोग हैं ना, उनसे तो आप जितना भाग सकते हैं ना बस भाग जाए, सुने सबकी, बट यह कि एट दी एंड जो है करें वही जो आपका जहन कहे कि दिस इज बेस्ट। बिल्कुल जी, इसी तरह है। बस अब तो लगे हैं मजीद इंशाल्लाह ताला, और एक ही डर है कि कहीं रेहान साहब से दूरी ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा उनके करीब आया मैं, तो बड़ा चेंज भी आया, और कोई चेंज मेरे अंदर ही आया ना, मेरे चेंज से उन्हें कोई फायदा हुआ ना कोई, शायद आगे भी ना हो, लेकिन मुझे बड़ा फायदा हुआ उनकी सुहबत में रह के। तो यही है बस, अब अल्लाह का फजल है। तो ये थी मैडम सारी स्टोरी, यही सारा सफरनामा। बच्चे मेरे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और काफ़ी हद तक माशाल्लाह, मैंने वादा कर लिया कि यार कुछ थोड़ा सा रुको, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक कह लें कि हमारा शुमार भी होगा डिजिटल क्रिएटर्स में, और टेंशन की तो बात ही नहीं है, तो ये सारा कुछ करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डर के साथ साथ मैं यहाँ पे जनाब हाथ डाल दिया मॉडलिंग को, जो सिक्स पैक थे वो अब काम आ रहे हैं, एक्टिंग को हाथ डाल दिया, और गाना भी गा लेते हैं, तो कोई ना कोई, अच्छा हाँ जी, तुर्की क्या में भी बात है। गा लेते अच्छा हैं, इंग्लिश में भी गा लेते हैं, तो अच्छा बाकी जाहिद बच्चे। साहब, आज मैंने आपका काफी टाइम लिया है और आपको तो शायद टाइम का अंदाजा भी ना रहा हो, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा रहा। बट ये है कि मैं ये चाहूंगी कि हम इस सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि एक पॉडकास्ट में तो पूरे जो सफरनामा है या जिंदगी नामा है वो क्लोज नहीं हो सकता। सो हम इसको सेगमेंट्स में करके डिवाइड कर लेंगे, जो आपको जिस तरह मुनासिब लगे, आप जो है आगे इसको कंटिन्यू करना चाहें, किस सब्जेक्ट को आप टैकल करना चाहें। जाने से पहले मुझे ये बताइए, आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई गाना गाना चाहेंगे? गाने तो वो वैसे ही बड़े सुनते हैं, बड़े सिंगर हैं, मैसेज मेरा ले लें, और जो जी उनके शायद काम भी आए, वो लोग जो वाकई परेशान हाल हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उनके लिए यही गुजारिश करूंगा कि वही वाला कोर्स जो मैंने किया, कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो आप वो कोर्स कर लें, रेहान ट्रेनिंग पे पड़ा हुआ है .com पे, तो वहाँ जाके उस कोर्स का नाम है कोर्स नंबर 1, वो अगर आप कर लें तो आपको आपकी अपने आप से मुलाकात हो जाएगी, यानी आप खुद शनास हो जाएंगे, तो फिर वहां से आपको अपनी परेशानियों का भी अंदाजा हो जाएगा, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो वो वाला कोर्स मैं चाहूंगा कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो वो प्लीज वो वाला जाके कोर्स करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। बाकी अगर किसी ने वो कोर्स समझना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं फेसबुक पे राना जाहिद तुर्की वाला के नाम से हूँ, मैं समझा भी सकता हूँ, और वो ठीक कोर्स है, करवा मैं आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो जो है लिंक मेंशन कर दूंगी। और ये जिस कोर्स की आप बात कर रहे हैं ये rehantraining.com पे है? जी, कोर्स नंबर 1 जी। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। और ये तो आपने हमारी ऑडियंस को जो है मैसेज दिया, आपका मैसेज मेरे लिए, सबाहत के लिए क्या मैसेज है? आप मैडम काम अच्छा कर रही हैं और तबादला ख्याल कर रही हैं, बहुत अच्छी बात, और सुनती हैं क्या कहने, क्योंकि हर बंदा जो है कोई ना कोई उसके अंदर एक तूफान है, एक स्टोरी है, एक दर्द भरी दास्तान है जो कि वो सुनाना चाहता है, तो आप एक अच्छी लिसनर हैं, वेरी गुड होना चाहिए, और क्योंकि हर बंदा तो कहानी सुनाना चाहता है, सुनने को कोई तैयार ही नहीं, तो आपने सुना मेरी टैंकी खाली की, मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, और मुझे लग रहा है जैसे मैंने कुछ शायद मसाज करवाया, तो फीलिंग बेटर नाउ, एक्सेलेंट, तो अच्छा काम कर रही हैं आप। अ थम्स अप फॉर यू, थैंक यू। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी मुलाकात होगी। सो ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं और थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और आपने मुझे टाइम दिया, एंड इट्स अ प्लेजर, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू ब्रिंग इन सच जेम्स। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो जो भी मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रेशियस जेम्स हैं, एंड आई ऑलवेज लाइक टू इनवाइट देम टू माय पॉडकास्ट। अगर आपको कोई बात, फॉर द ऑडियंस, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो,
जो मैंने जो है अनकॉन्शियसली कही हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अपनी दवाओं में याद रखिएगा, हमारे पॉडकास्ट पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या देखना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं किन लोगों के साथ जो है मज़ीद पॉडकास्ट करूँ जो कि आपके पसंद के हों, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पे जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो आपकी राय, आपकी कीमती राय मेरे तक पहुंच जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जाहिद साहब। अल्लाह। ओके।